लगन के बारे में बताया गया था उपपद लगन कैसे कैलकुलेट किया जाता है उसके बारे में पूरा का पूरा विस्तार से आपको बताया था कि भाई उपवध लगन के लिए आपको ट्वेल्थ भाव के आरुद्य को देखना है और क्या स्टेप्स हैं वो आप हमारे प्ले में देख सकते हैं आसानी से आज कुछ एक्सेप्शन होते हैं जो मैंने आपको वहां पे नहीं बताए थे तो वो एक्सेप्शन इस वीडियो में और नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा मैं आपको ताकि आपको पता लग जाए ये स्टेप बाय स्टेप इसलिए बता रहा हूं ताकि आप कंफ्यूज ना हो तो उस वीडियो को आप सेपरेट देखिए जहां से आपको कैलकुलेशन करना आएगा उपवध लगन क्या होता है और उपवध लगन की क्या फैसिलिटी होती है क्योंकि ये आपके स्पाउस की ओवरऑल नेचर बिल्कुल एक्यूरेट बताने की क्षमता रखता है तो एक्सेप्शन क्या होता है इसमें एक्सेप्शन मतलब कि अगर वहां पे प्लेस्ड हो तो वहां पे कुछ रूल लगते हैं वो रूल क्या है वो मैं आज सिर्फ और सिर्फ इतनी बात करूंगा और आप कई बार क्वेश्चन पूछते हैं कि अगर ऐसा नहीं तो ऐसा है तो देखिए वो जो आप पूछने वाले हैं वो सारे क्वेश्चन के वीडियो में बनाते चले जा रहा हूं आगे तो वहां पर मैं लाइक करके कमेंट छोड़ दूंगा उसका मैं वहां पर जवाब आपको नहीं दूंगा इस बात को मान के चलिए और जिस जवाब को मैं राइट करता हूं मतलब

तो देखिए हमने बताया था ट्वेल्थ भाव के आरुद्य को ही हम उपवत लगन यहां से कैलकुलेशन करते हैं कि ट्वेल्थ भाव का मालिक कहां बैठा हुआ है किस भाव में डिस्टेंस और उस डिस्टेंस से फद डिस्टेंस उतने ही कैलकुलेट कर लेते हैं तो हमें उपवत लगन मिल जाता है तो आपने क्या करना है अपना D1 चार्ट उठा लेना है जिसे हम आपका बर्थ चार्ट और लग्न चार्ट उठाते हैं यहां पे D9 चार्ट नहीं उठाना है प्लीज नोट कीजिए इस बात को फिर से ये कमेंट में ना पूछिए कि D9 D1 अब आपको पता हो जाना चाहिए अगर आपको नहीं पता है तो आप हमारी वीडियो को देखिए विस्तार से चलिए उसके बाद क्या है जी अब हमने ट्वेल्थ हाउस पे फोकस करना है अगर आपकी कुंडली में ट्वेल्थ भाव का मालिक ट्वेल्थ में ही प्रेजेंट हो इसी भाव में ही प्रेजेंट हो तो ये एक एक्सेप्शन बन जाता है ये एक एक्सेप्शन बन जाता है क्या अगर ट्वेल्थ भाव का आरुद्य इसी में ही प्रेजेंट हो तो आपको यहां से दस पोजिशन अपने आप ही आगे चल लेना है तो क्या होगा दस पोजिशन यहां से एक दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ दस तो ये नवम भाव आया आपका आया नवम भाव तो अब मैं यहां पे एग्जाम्पल बताऊंगा कि इसको किस तरीके से अब आपने कैलकुलेशन करना है आशा करता हूं ये चीज आपको समझ में आ गई होगी चलिए अब हम एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं उससे पहले आपसे निवेदन है कि आप हमारी ज्योतिष घर बैदा ऐप के थ्रू हमसे आप कंसल्टेंसी ले सकते हैं अगर आपको लगता है या फिर हमारी वेबसाइट पे भी ये देखिए लिंक दिया हुआ है विजिट कर सकते हैं और ट्विटर फेसबुक इंस्टाग्राम पर निसंकोच निस्वार्थ आके जुड़िए आपको वहां से फायदा होने वाला है कोशिश होती है आपके जवाब वहां पर दिए जा सकें वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट साल में आप सोच सकते हैं कितने जब वक्त मिलता है तो जवाब आपको डेफिनेटली दिया जाएगा कंडीशन यही है कि आपको अपना लग्न चार्ट शेयर करना है आ जाइए आपका ये डीवन चार्ट है लग्न चार्ट है अब मैं यहां पे एग्जाम्पल की बात करता हूं आपका कोई भी असेंडेंट यहां पे हो कोई भी लग्न हो आपका मान लीजिए मैं यहां पे तीन नंबर लेता हूं आप छह नंबर ले सकते हैं एक नंबर ले सकते हैं एक से बाहर तक कोई भी नंबर ले सकते हैं आपके चार्ट पर अपना चार्ट उठा के देख लीजिए अगर तीन नंबर यहां पे प्रेजेंट है चार नंबर यहां पे होगा पांच छह सात आपको समझाने के लिए मैं ये सब कुछ लिखता हूं ताकि आपको रट्टा ना मारना पड़े आप आसानी से सीख लें। चलिए अब आपने देखा इस तरीके से आपका ये लग्न चार्ट है और प्लैनेट यहां पे सूर्य शनि मंगल सारे अपने आप हिसाब से प्रेजेंट होंगे आपके चार्ट के हिसाब से मान लीजिए यहां पे दो नंबर प्रेजेंट है और दो नंबर का मालिक कौन है शुक्र दो नंबर क्या हो गई टॉरस हो गई और टॉरस का मालिक कौन है वृषभ का मालिक कौन है शुक्र और शुक्र इसी भाव में बैठे हुए हैं ना वो आगे गए अब क्या कैलकुलेट करेंगे शुक्र तो यहीं बैठे हुए हैं तो क्या करना है मैंने आपको क्या बताया था आपको यहां से दस पोजिशन आगे चलना है तो दस पोजिशन यहां से आगे चलेंगे वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था देखिए दस पोजिशन आगे चलने पर यहां से यहां सात हो गया आठ नौ दस नौ नंबर निकल के आया आपका तो आपके लिए जो उपवध लगन निकल के आया वो क्या निकल के आया नौ नंबर निकल के आया क्योंकि यहां से देखिए सात ये हो गया आठ ये हो गया नौ ये हो गया दस नंबर ये हो गया तो बारहवें भाव से आप पहुंचेंगे नाइन्थ हाउस पे और यहां पे क्या लिखा हुआ ग्यारह नंबर माफ कीजिए ग्यारह नंबर तो आपका जो उपवध लगन हुआ वो क्या हुआ आपका उपवधन हो गया इक्वेरियस इक्वेरियस आपका उपवध लगन हो गया कुंभ आपका उपवाद लगन हो गया यही तो कहा जाता है कुंभ को ऑक्वेरियस को ये इतना सिंपल है तो ये एक उपवाद है ये एक एक्सेप्शन है इस चीज को आप यहां पे मान के चलिए अब ऐसा क्यों उपवाद दिया गया है मैं आगे की वीडियो में आपको बताऊंगा क्योंकि मैं यहां पे कॉम्प्लेक्स नहीं करना चाहता वीडियो को तो आज मैं यही समापन करूंगा कल अगले वीडियो में मैं एक और एक्सेप्शन की बात करूंगा अब जिन लोगों का एक्सेप्शन पे ऊपर क्वेश्चन थे कि हमारा बाद में प्रेजेंट है उनका आंसर मुझे लगता है इस वीडियो से मिल गया होगा तो यहां पे इजाजत चाहूंगा वीडियो को अंत तक ही देखा कीजिए ताकि आपको फायदा मिल सके इससे स्किप करने की ना सोचा कीजिए तो यहां पे इजाजत चाहूंगा कमेंट बॉक्स में अपने मोबाइल नंबर किसी को रिप्लाई करने से बचें क्योंकि स्पैम में आप जाएंगे हमारी तरफ से कोई कॉल विदाउट अपॉइंटमेंट नहीं की जाती और आपने देखा होगा कि हमने कहीं भी अपने किसी प्रकार के नंबर हाईलाइट नहीं किए हैं कॉन्टैक्ट करना है वेबसाइट से कीजिए हमारे अबाउट अस पेज से कीजिए या फिर हमारी ऐप से कीजिए धन्यवाद जय माता दी शीघ्र ही मिलते हैं